नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 8 में और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांटे की टक्कर है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच जोरदार मुकाबला है। अभी तक की गिनती के आधार पर जो बाइडेन को 238 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि ट्रंप को 213 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। वोटों की गिनती अभी जारी है। अब से कुछ घंटे तस्वीर साफ हो जाएगी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र की सत्ता किसके हाथ में होगी। वहीं ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। ट्रंप ने वोटिंग का समय खत्म हो जाने के बाद भी मतदान होने पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं जो बाइडेन ने कहा कि काउंटिंग को रुकवाने की धमकी ट्रंप की बौखलाहट को दिखाती है। व्हाइट हाउस की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आई। We'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने बहुत साफ कहा कि वोटिंग खत्म होने के बाद मतदान हुआ। ट्रंप का आरोप है कि चुनाव में धांधली हुई है। ट्रंप का आरोप है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हुई। ट्रंप ने कहा कि वोटिंग बंद होने के बाद मतदान कैसे हो सकता है। पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन्स के चुनाव में धांधली को लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। And all of a sudden, it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good, such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it to support our incredible movement. वहीं जो बाइडेन ने ट्रंप पर पलटवार किया है। बाइडेन ने कहा कि मतगणना रुकवाने की कोशिश ट्रंप की बौखलाहट दिखाती है। मतगणना रुकवाने की कोशिश का जवाब दिया जाएगा और हमारी कानूनी टीम तैयार है। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में कोरोना महामारी की वजह से अमेरिकी लोग बाहर निकलने में डर रहे थे, जिसके कारण पोस्टल बैलेट से बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। कुछ राज्यों ने इन मेल इन बैलेट को आते ही गिनना शुरू कर दिया था, जबकि कुछ राज्यों में चुनाव से एक दिन पहले मतगणना शुरू की थी, जबकि बाकियों ने चुनाव के दिन तक इसकी गणना शुरू नहीं की थी। बाइडेन और ट्रंप की चुनावी जंग के प्रमुख राज्य पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में बैलेट की गणना चुनाव के दिन से ही शुरू हुई, जिसकी प्रक्रिया साधारण मतगणना से ज्यादा लंबी होती है। वहीं मिशिगन के प्रशासन ने कहा कि सभी वोट गिनने में उसे शुक्रवार तक का समय लग सकता है और मुमकिन ये भी है कि प्रमुख राज्यों से अंतिम परिणाम बुधवार शाम तक आए। कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि यूएस में जो चुनावी लड़ाई है एक कानूनी लड़ाई बन सकती है, और यही हुआ। यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस करा है कि वो जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट और जो मतदान हुए हैं उनकी गिनती को कहीं ना कहीं उनका फोकस है कि उस पर रोक लगे। इसका मतलब है कि रिजल्ट्स में होंगे डिले, और डिले का मतलब ये है कि दुनिया भर में एक नर्वसनेस रहेगी। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात कर लें तो ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी नर्वसनेस दिखाई दी, और ग्लोबली ये वो चुनाव हैं जिन्हें सब कोई ऑब्जर्व कर रहा है और देख रहा है कि इसके क्या नतीजे होंगे, और उसको लेके भी कहीं ना कहीं अमेरिका में और दुनिया भर में एक एंग्जाइटी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं। अमेरिका में अब तक इस चुनाव से संबंधित 400 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और ये अब तक के चुनाव में सबसे अधिक मामले हैं। अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के 9 जज मिलकर वहां के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का फैसला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हिंसा की आशंका से डरे हुए हैं। हालात ये है कि लोग आत्मरक्षा के लिए बंदूकें तक खरीद रहे हैं। लोगों को इस बात की आशंका है कि दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ सकते हैं, जिससे दंगे फैल सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप।
ये दुनिया के सर्वशक्तिमान देश के डर वाली तस्वीरें हैं। चुनाव नतीजों से पहले अमेरिका दंगों के डर में जी रहा है। अमेरिका में चुनाव की शुरुआत के साथ ही हथियारों की बिक्री बढ़ने लगी थी। हथियारों की खरीद में श्वेत और अश्वेतों में हिंसा की आशंका है। ये तस्वीरें अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस की हैं। व्हाइट हाउस के चारों तरफ स्टील के नए बैरियर लगाए गए हैं, एक सुरक्षित घेरा बनाया गया है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद जबरदस्त हिंसा की आशंका है। हिंसा के डर से सुरक्षा के ये उपाय अमेरिका की नई कमजोरी और डर को दिखा रहे हैं। जब व्हाइट हाउस का यह हाल है तो आप अमेरिका की आम जनता के डर को भी समझ सकते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी दुकानों की सुरक्षा के लिए उन्हें लकड़ी के बोर्ड से ढका जा रहा है। न्यूयॉर्क में दुनिया के टॉप ब्रांड्स की दुकानें हैं। इन दुकानों को भव्य बनाने के लिए ग्लास यानी कि शीशे का इस्तेमाल किया गया। अब इन दुकानदारों को हिंसा होने पर निशाना बनाए जाने का डर है, इसलिए अपनी खिड़कियां और दरवाजों को लकड़ी के बोर्ड से सुरक्षित कर रहे हैं। इसी साल मई महीने में भी न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और शिकागो में हिंसा हुई थी। तब दुकानों को लूट कर उनमें तोड़फोड़ करके उनमें आग लगा दी थी। Just in case for the election, we don't know about the riot. Maybe we don't. All right. So safety. न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर इलाके का भी ऐसा ही हाल है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के करीब 600 अफसर इस हिंसा से बचने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि वहां पर संगठित हमले किए जा सकते हैं। कैलिफोर्निया में पुलिस अधिकारी बिना छुट्टी लिए हर दिन 12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, और आप इसे अमेरिका के साल 2020 के चुनावों की सबसे दुखद खबर भी कह सकते हैं। The reason people are so worried, but I want folks to know this city is prepared. I want folks to know that for those who want to express themselves about the results, the way to do that is peacefully. That will always be honored. अमेरिका के 10 राज्यों ने हिंसा की आशंका को देखते हुए नेशनल गार्ड्स की तैनाती की योजना बनाई है। कई स्टोर्स से बंदूकों और हथियारों की बिक्री रोक दी गई है, और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की घड़ी है।